हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और कल जो है हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से ये था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी कोर्स के हों चाहे किसी ईयर के हों, वो उसमें लिखा था समस्त छात्र, ठीक है। तो वो उन सबको प्रमोट कर दिया गया। अब ये लेकिन फिर भी ये था कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो उसमें कहा था कि आगे जो है अभी आएगी चीज़ें, पूरा जो कमेटी का निर्णय होगा तो ठीक। तो अब कमेटी का पूरा निर्णय आ गया है। कल भी कई बच्चों ने हमसे पूछा, तो उसको देखकर जो हमको समझ में आ रहा था उसके बेस पे हमने उनको आंसर किया। आज पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आ गई है उसके बेसिस पे ये लिखा हुआ है कि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा, मतलब सेकेंड एवं थर्ड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और बात लिखी है कि परास्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर, अगर जहाँ पे सेमेस्टर वाइज चल रही है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो और वो क्या कहते हैं, या प्रोफेशनल जितने भी हैं कोर्सेज, उसके लिए अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को भी बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब सेकेंड थर्ड ईयर या बीच में जो भी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि स्नातक प्रथम वर्ष, मतलब जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, और परास्नातक के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा है, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और जो है प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जो है उनके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएंगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर जो है BA BSc BCom इस तरह के जो कोर्सेज हैं उसमें जो है फर्स्ट ईयर, और जो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो MCom MSc इस तरह MA हो या प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है, उनके अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएंगी। अब इसमें जो है यही बात इन्होंने आगे भी इस चीज़ को भी लिखा हुआ है कि फिर उसी चीज़ को उन्होंने आगे लिखा है कि परीक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि स्नातक द्वितीय और PG एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट सेमेस्टर अंतिम सेमेस्टर छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राएं बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। इसके अलावा स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को, ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को पिछले वर्ष की परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उत्तीर्ण घोषित कर मार्कशीट प्रदान मिलेगी, वो मार्कशीट उनको मिल जाएगी। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक ये भी बात नोट करिएगा कि स्नातक प्रथम वर्ष व PG एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई अगस्त 2021 में होंगी, मतलब ये समझिए कि बाकी सब लोग पास हैं, बस जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और जो है इन्होंने लिखा है परास्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में होंगी। अब इसमें भी एक बात लिखी हुई है, इसमें आगे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो विश्वविद्यालय की PRO हैं डॉक्टर जया कपूर, उन्होंने कहा है कि परीक्षा का आयोजन के संबंध में उस समय संक्रमण की जो स्थिति होगी, ठीक है, मतलब उस समय कोरोना की जो पोजीशन रहेगी उसको देख कर निर्णय किया जाएगा, ठीक है। तो ये है मैटर, इसीलिए वो कल वाला जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो करीब करीब पहले सारे का ही बोल दिया था, फिर बाद में उन्होंने सोचा होगा जो भी बात है वो डिसीजन इस बेसिस पे आया है, ठीक है। तो ये है सारी बातें। अब इसमें जो आप लोगों का पॉइंट है, अब इसमें बाकी का तो ठीक ही है, अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं कि जो बैक बच्चे परीक्षा दे रहे थे उनका कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि अब जैसे फर्स्ट ईयर वाले बोलेंगे कि सर हमने क्या दुश्मनी किया था, हमें क्यों नहीं प्रमोट किया गया। अब देखिए, अब ये सब यूनिवर्सिटी ने अपना क्राइटेरिया डिवाइड किया, यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन होता है, उसमें वो अपना अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। उसके अलावा भी देखिए, लास्ट में इन्होंने लिखा तो है कि आगे देखा जाएगा, जैसी स्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। और ये है, और ये देखिए फर्स्ट ईयर का तो पहले ही से ही बाद में प्रमोट था कि जुलाई में होगा एग्ज़ाम, तो वो उसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे जुलाई में जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो यही है। अब ये बात जरूर है कि इसमें बहुत सारे लोग जो स्पेशली फर्स्ट और जिनके एग्ज़ाम होने हैं वो थोड़ा से मतलब नाखुश रहेंगे, और बहुत सारे बच्चे जिनका बैक था या जो मतलब किसी और वजह से कुछ उनमें कॉम्प्लिकेशन थे तो उनके लिए दिक्कत थोड़ी सी रहेगी,
उसको भी शॉर्ट आउट किया जाएगा। आप जान ही रहे हैं कि इसमें स्थिति ऐसी है कि क्या बताया जाए, उसमें नहीं उसकी किसी का कोई चीज़ का स्पष्टता नहीं हो पा रही है, किसी लेवल पर नहीं हो पा रही है, और चीज़ों को कहा भी नहीं जा सकता कि आगे होगा क्या। तो इसलिए जो है सिर्फ जो है ऐसी है चीज़ें, अब जिस बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं उसी हिसाब से डिसीजन भी आ रहा है। आगे भी देखिए उन्होंने बोल ही दिया है कि आगे जैसे जैसे परिस्थिति रहेगी उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये फिलहाल इन्होंने कुछ लोगों को कह दिया जिससे कि आगे की चीज़ें चले, और मेरे हिसाब से तो अब देखिए आगे ये लोग और आगे क्या करते हैं। फिलहाल बाकी का तो ये डिसीजन आ ही गया है, ठीक है। तो आगे जैसे और कुछ भी सूचनाएँ आएंगी हम आपको जो है बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।